रोहतास जिले के दावत प्रखंड अंतर्गत फतेहगंज निवासी छात्र लोकतांत्रिक जनता दल के जिला अध्यक्ष कमलेश कुमार उर्फ पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को आग्रह किया। कहा कि देश व राज्य की एनडीए सरकारें जनता को दे रही हैं धोखा। अभी संसद में पेश अंतिम बजट में किसानों को छलने का काम किया है। किसानों को पूर्ण कर्ज माफी व कृषि उपज के लागत का 1.5 गुना मूल्य देने की बजाय 6,000 रुपये देने की घोषणा कर लॉलीपॉप थमा दी है। बजट में बेरोजगार युवाओं व छात्रों के लिए कोई चर्चा नहीं किया जाना चाहिए। इस सरकार की संवेदनशीलता पर प्रश्न उठाना लाजमी है। आगे उन्होंने कहा कि हमारे आदर्श नेता लालू यादव शरद यादव के नेतृत्व में देश के तमाम छात्र नौजवान युवक साथ ही रोड से लेकर संसद तक जुमलेबाजों की सरकार का विरोध करेंगे। बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुँच गई है। बेटी बहू ने सरेआम रोड पर रेप की शिकार हो रही है। अफसरशाही वह गुंडागर्दी चरम सीमा पर पहुँच रही है जो कभी राजद की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसका जवाब आने वाले लोकसभा के चुनाव में जनता देगी। नहीं करेगी लोकसभा में दोबारा बीजेपी की सरकार वापसी। रोहतास से रामराज सिंह की रिपोर्ट। देखिए, ये जुमलेबाजों की सरकार भाजपा द्वारा कल पास किया गया आम बजट छात्र नौजवान और किसानों के लिए एक छलावा है। मैं लालू यादव और शरद यादव के विचारों का सम्मान करता हूं। भाजपा द्वारा किया गया बजट पास एक छलावा साबित हुआ है। छात्र नौजुवकों को सरकार ठग रही है। चिकित्सा शिक्षा सभी व्यवस्था चौपट दिख रही है। सरेआम मर्डर हो रही है। लड़कियों को सरेआम रेप का शिकार बनाया जा रहा है। ऐसे बीजेपी सरकार को हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और अगर हमारी महागठबंधन की सरकार आती है तो सबसे पहले हम महिलाएं लड़कियों को सेफ रखने का काम करेंगे।